तो दोस्तों आज यहाँ पे चल रहा फोटोशूट, अभी शादी तो कर लेने, फिलहाल फोटोशूट आज ही कर देते क्यों। चलिए जी, अभी आधे रास्ते पहुँच चुके हैं और अभी आरती भी मिल गई। आरती वैसे पहले मिल चुकी थी ना, वीडियो बनाने का मन ही नहीं करा। वैसे दोस्तों इस निजमुला वैली में 10-15 गांव है और उन 10-15 गांव में से केवल 2-3 गांव ऐसे हैं जो सड़क मार्ग से अभी तक जुड़े नहीं है। तो देखिए जी, आपने पहाड़ों में कई तरीके के रास्ते देखे होंगे लेकिन ऐसे खतरनाक रास्ते बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। और यहाँ चलने के लिए ना साइड से कोई फिसले ना तो ये सपोर्टर बनाए हुए। सबसे पहले हो चुकी है खूबसूरत दिन की शुरुआत, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक सुंदर से लोकेशन से। और अभी शाम के 2 बज चुके हैं, यानी आज की ब्लॉगिंग काफ़ी लेट से शुरू हो रही है और एक नई जगह से, बिल्कुल मतलब यहाँ इससे पहले आया तो लेकिन ब्लॉगिंग के माध्यम से कभी नहीं आया। तो दोस्तों अभी हम हैं पगना में और हम जा रहे हैं यहाँ से पाणा की ओर, और जो कि पाणा पड़ता है निजमुला घाटी में, यानी चमोली जिले में। तो आज वहाँ के लिए, कल मौसमी की शादी वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, उसको पूरा नहीं डाला है, बाद में जब भी टाइम मिलेगा उसके बाद डाल देंगे। फिलहाल एक नई शादी की बुकिंग में सीधे पाणा गांव, रास्ते में दिखाएंगे आपको जो भी देखने लायक होगा। और मेरे साथ है सुनील और पीछे है संदीप, और अभी यहाँ वाले मिलने वाले हैं, यानी आरती और आगे चले गए हैं, बाकी दुल्हन आ रही है पीछे, उससे भी मिलाएंगे आपको अभी। अभी गाड़ी इधर रुकी थी, यहाँ से पैदल निकलना है, पहले सीधे नदी में, फिर वहाँ से सीधे ऊपर चोटी चढ़ना है। यहाँ से लगभग किलोमीटर का तो पता नहीं, पहले आए थे एक बार, अंदाजा है थोड़ा बहुत, यानी 10-12 किलोमीटर तो हो गई। तो यहाँ से शुरू हो जाता है पैदल रास्ता, तो निकलते हैं यहाँ से सीधे पाणा की ओर। चलिए जी, थोड़ा आगे बढ़ते हुए अभी एक सुंदर सा झूला पुल दिख गया है, और यहाँ देख लो, यहाँ से रिवर क्रॉसिंग होते हुए और इस झूला पुल से सीधे उधर की ओर चलना है। तो चलिए सफर में बने रहिए, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें दिखाने वाले हैं रास्ते में। बाकी दोस्तों मैं तो दूसरी बार आ रहा हूँ, संदीप भाई पहली बार और ये आ रहा है चौथी बार, और संदीप की ब्लॉगिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, यानी उत्तराखंड वासी अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिए, वो भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता है। और यहाँ से आगे काफ़ी मस्त सा नज़ारा है, और सामान देख लो ना, बैग देख लो मेरे पास, एक नीचे 2 और एक पीछे 3 बैग है, और ऐसे चढ़ाई में चढ़ना है अभी, यहाँ से सीधे ऊपर, अभी तो पता ही नहीं रास्ता कहाँ तक है। जब इतनी दूर आ ही रखे, थोड़ा बहुत फोटो शूट कर ही लेते हैं, और संदीप भाई यार क्या आगे कैमरा लेना, तो ये बिल्कुल रेडी है फोटो शूट के लिए, बाकी अभी कोई है भी नहीं हमारे अलावा, क्यों बाकी हमारे अलावा कोई है भी नहीं इस सुनसान जगह पे और अच्छी लोकेशन पर फोटो लेते हैं। और यहाँ से आगे देख लो क्या जबरदस्त लग रहा है। तो चलिए जी, ये पहुंच चुके हैं, और ये रही इधर वाली दुल्हन, और ये हमारी चाची जी, उसकी शादी है पीछे वाली और आगे वाले कल सगाई है शायद नहीं है ना, और ये है दुल्हन जी। तो दोस्तों आज यहाँ पे चल रहा फोटो शूट, अभी शादी तो कर लेना, फिलहाल फोटो शूट आज ही कर देते क्यों, सारे से पहले से। और यहाँ पे कल का ट्रायल दे रहे हैं अभी, कल फोटो सेशन होना है, उससे पहले आज यहाँ पे ट्रायल। बीच में अभी यहाँ से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, और ये दिन देखना पड़ रहा और सच में ये दिन देखना पड़ रहा है। सोचा क्या था कि इनसे कहा था हमने कि हमारा बैग ले जाने वाला कोई मिले उनको बता देना, उल्टा
यहाँ देख लो सुनील क्या हालत रही भाई, बहुत भारी है भाई। इसको जैसे जंगल में हम राशन ले जाते ना वैसे कर दिया आज फुल पैक नहीं है। बाकी बोझा वोझा के लिए कॉन्टेक्ट करें सुनील फसवाण से क्यों पसंदी भाई। अभी अपना पहला स्टॉप आ चुका है और सामान इतना ज़्यादा है ना क्या करें, यहाँ देख लो सारे इधर फैला रखे हैं और अपने पास यहाँ भी पीठ में भी, और इसके बाद जो बैग था और अंकल जी आ रखे थे पीछे वो ले गए। बाकी हमारी कौन सुन रहा नहीं संदीप, और लोकेशन देख लो ना यहाँ से कितना तगड़ा दिख रहा सामने कभी हो, और वहाँ से वो सड़क जा रही है, एक्चुअल में जो सड़क दिख रही है वो जा रही है पाणा गाँव के लिए, लेकिन बीच में पुल नहीं है इस वजह से हमको ये दिन देखने पड़ रहा है। बाकी लोकेशन बहुत अच्छा है और बस खाली चलने में चढ़ने में दिक्कत है हमको, तो क्या होना ना हमारी तो हैबिट है क्यों, और थोड़ा बहुत जंगल की तैयारी भी हो जाएगी। तैयारी हो रही भैया, अभी आए हैं इधर। तो दोस्तों थोड़ा देर स्टॉप करने के बाद फिर से कंटिन्यू हो चुके हैं और ऐसी चढ़ाई पे चढ़ना है, पता नहीं आज कितने बजे तक पहुंचेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है अंधेरे होने से पहले पहुंचने वाले नहीं है क्योंकि सामान ज़्यादा है, तो धीरे धीरे हौले हौले मतलब बिल्कुल एंजॉय करते करते जा रहे हैं। मेरे जी अभी आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और अभी आरती भी मिल गए, आरती वैसे पहले मिल चुकी थी ना, वीडियो बनाने का मन ही नहीं करा, और अपने गांव में ने बोला था ना पीछे की हर कोई ऐसे ही भाग जाता है, वैसे ही भाग गया भाग कर रहा है, बारिश के डर से आगे भाग रहे सीधे। बाकी दोस्तों अभी बहुत चलना है रास्ते में, दिखाते जाएंगे कितना दूर है बेगा, बहुत चढ़ाई है, और यहाँ देखो ना रास्ता देख लो। तो दोस्तों यहाँ पे से एक और सुंदर सा व्यू पॉइंट देख लो, और यहाँ से सामने की पहाड़ियाँ, और इसको भी थकान लग चुकी है अभी, और दिख रहा सामने के नज़ारे, और यहाँ से ऊपर पता नहीं अभी कितना दूर है ऊपर बैठ। दोस्तों अब बड़ी बस की नहीं है यहाँ से पहुँचने की, ओ भाई संदीप हाल चाल ठीक है अभी फिर भी चढ़ रहे हैं हम, कितने किलोमीटर आए अभी, 4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर आ गए, 4 और है अभी, घूनी पानी आ गया था। वैसे दोस्तों इस निजबुला वैली में 10-15 गांव है, और उन 10-15 गांव में से केवल 2-3 गांव ऐसे हैं जो सड़क मार्ग से अभी तक जुड़े नहीं हैं, और उनमें से एक ही पाणा है और यहीं से आगे ईरानी पड़ता है, तो लगा लो सामने एक दो गांव यही रहे जहां अभी तक सड़क की सुविधा नहीं है, लोग जो भी अपना सामान होता है या तो खुद ऐसे ही ले जाते हैं जैसे मैं ले जा रहा हूँ अभी, या तो घोड़े खच्चरों में जो भी उनका सामान होता है वो ले जाते हैं। फिलहाल अभी देख लो इस चढ़ाई में चढ़ रहे हैं, और ऐसे रास्तों में जीवन काटना काफ़ी मुश्किल है भाई, और यहाँ से अभी गांव नज़र ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ है ये वैली, बहुत बड़ी है और सामने देख लो बहुत सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी जितनी भी चढ़ाई थी वो तो हो चुकी है समाप्त, और अब सीधा सीधा चलना है, और यहाँ देख लो बिल्कुल सीधा निकलना है अब इस पहाड़ के पीछे जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है इसके पीछे चलना है, तो हौले हौले निकलते हैं, और आगे पे पानी भी है तो वहाँ पे बैठेंगे क्योंकि पूरे रास्ते भर में पानी नहीं है, प्यास भी लगी है तो आगे ही बैठेंगे। दोस्तों जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था वो मिल चुका है, और यहाँ सामने रहा पानी, पूरे रास्ते भर में केवल एक ही धारा है जो यहाँ पे है देख लो, और यहाँ पे अच्छे से पहले पानी पियेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर।
और मोहित भरेगा पानी हमारे लिए। तो देखिए जी, आपने पहाड़ों में कई तरीके के रास्ते देखे होंगे, लेकिन ऐसे खतरनाक रास्ते बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। और यहाँ चलने के लिए ना साइड से कोई फिसले ना, तो ये सपोर्टर बनाए हुए हैं, और अगर थोड़ी भी चूक हुई ऐसे रास्तों में तो सीधे नीचे बिल्कुल खाई है, देख लो। और रास्ते बड़े जोखिम भरे हैं यहाँ, देख लो। और यहाँ से नीचे तो सीधा बिल्कुल जबरदस्त वाली खाई है, देख लो। और अभी हमको जाना है उस टॉप में, थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करेंगे, वहाँ से गांव का व्यू दिख जाएगा, यानी पाणा गांव वहाँ से दिखने वाला है। तो फाइनली दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो रहा सामने, ये रहा पाणा गांव। अब बिल्कुल यहाँ से चलना है खेतों के रास्ते, अब यहाँ से जितने भी लेट लगेगी आराम से जाएंगे, और यहाँ पर रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। चलिए जी, गांव के नज़दीक तो पहुँच चुके हैं, और यहाँ से आपको सुंदर से लोकेशन दिखाते हैं, और यही सामने वाला व्यू देख लो एक बार। पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर रहा गांव, यहाँ देख लो। लगभग 60-70 परिवार रहते होंगे इस गांव में, और बस अभी जाना है दुल्हन के घर। और ये हैं आगे से रास्ता दिखाने वाले, और आगे पे शायद कुछ बैठक हो रही है महिलाओं की, तो वहाँ बैठ रखे सारी महिलाएं। बाकी आधा गांव ऊपर ये रहा, और आधा है नीचे।